कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के बाद रंगीले पारस छाबड़ा इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं अब अपने स्वयंवर को लेकर। यहां पर आपको बता दें कि उनके स्वयंवर में यहां पर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट भी पहुंची हैं जिनका नाम है जसलीन। जी हां, जसलीन और पारस को लेकर यहां पर हाल ही में बयान दिया था अनूप जलोटा ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिन पहले ही अनूप जलोटा ने खुद के आगे पारस छाबड़ा को सही इंसान नहीं बताया जसलीन के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे जैसा इंसान होना चाहिए जसलीन के लिए। लेकिन इसके बाद पारस छाबड़ा ने भी जवाब दिया। अपने इंटरव्यू में पारस छाबड़ा ने भी अनूप जलोटा को लेकर काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन अब फिर से अनूप जलोटा ने कहा है कि शो में जाने से पहले जसलीन ने मुझसे शादी करोगे को लेकर ढेर सारी बातें की थी, लेकिन इस शो के बारे में हमें ठीक से बताया नहीं गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि पारस छाबड़ा कौन है जिससे जसलीन शादी करना चाहती हैं। मैंने पारस को बिग बॉस सीजन 13 में भी नहीं देखा और ना ही उनके बारे में कुछ भी पढ़ा है, लेकिन मैं पारस के बारे में जो बातें सुनी हैं उससे मुझे जसलीन की काफ़ी फिक्र हो रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने सुना है कि पारस लड़कियाँ बदलते रहते हैं, इसलिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पता चलता है कि वह लॉयल नहीं है। साथ ही जसलीन का टीचर होने के नाते भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा करूं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अनूप ने आगे कहा कि जसलीन के मुझसे शादी करोगे मैं जाने पर मुझे उनके पिता से बात करनी होगी। वहीं इससे पहले भी जब अनूप जलोटा से पारस छाबड़ा के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने बतौर पार्टनर पारस छाबड़ा को सही इंसान नहीं बताया था। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो यहाँ पर पारस और अनूप जलोटा को लेकर बहस छिड़ चुकी है। अब देखते हैं कि आखिरकार अब दूसरे जवाब में पारस छाबड़ा क्या कहते हुए नजर आते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।